बम्हारी में पत्थर का खनन जोरों पर है, माफियाओं के आगे प्रशासन नतमस्तक है। आखिर कार्रवाई से प्रशासन ने क्यों दूरी बना रखी है? बंदूकों और लट्ठों की दम पर ये उत्खनन कर रहे हैं। ग्रामीण को कुछ होता है तो आखिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? कई माफियाओं के कारण ग्रामीण पलायन के लिए ना मजबूर हो जाएं। ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा, कहा दबंग लोग खनन कर रहे हैं और झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। बम्हारी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण गुर्जर ने बताया कि दबंग लोग पत्थर खनन कर रहे हैं। जब खनन करने के लिए मना किया जाता है तो परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज कर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जाती है। खदान पर चंदेल गुर्जर निवासी लखन गवां और इनके साथी अशोक पंडित निवासी सुभाषपुरा अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, जिनके बारे में पहले भी शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इनके साथी मोहर सिंह गुर्जर पुत्र रामचरण, भानु गुर्जर, कृष्ण गुर्जर, हरनाम लोकेंद्र, ओमकार गुर्जर, जसरथ पटेल, कोमल सिंह और अन्य लोग अवैध रूप से उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। उत्खनन की उसने मोबाइल से वीडियो बनाई थी। जब उस लोगों को इस बारे में पता चला कि वो हमारे घर पर लाठी लोहांगी बंदूक कट्टा फरसा लेकर आए और गाली गलौज करने लगे, वहीं भानु गुर्जर ने बंदूक से फायर किया जिसमें घर वाले बाल बाल बच गए। मामले की शिकायत भी की गई लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। हम डर की वजह से रह भी नहीं पा रहे हैं। तो मामले में उक्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है या फिर कोई बड़ी घटना का इंतजार प्रशासन करता है। कहीं ना कहीं खूनी संघर्ष में ये ना बदल जाए और ना कोई अप्रिय घटना हो जाए। देखिए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम तेजस सिंह गुर्जर, कहाँ से आया? विलेज भवारी से। किस लिए? सर एसपी साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए आए। किस बात का आवेदन? आवेदन सर गाँव में अवैध उत्खनन के ऊपर झगड़ा हुआ है, तो उसमें वो अभियोग पार्टी के लोग मुन्ना व जंगल के और साथी है, वो जान से मारने की धमकी देते हैं, कहीं भी बंदूक गड़ा देते हैं। अवैध उत्खनन कहाँ का चल रहा है? पत्थर का? पत्थर का अवैध उत्खनन चल रहा है सर। तो थाना, वहाँ जो थाना पड़ता है हमारी, वहाँ आपने उसकी शिकायत दर्ज कराई है? जी सर, मैंने थाने में भी एक आवेदन पत्र दे दिया है। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई? तो सर मैं ये तो नहीं कह सकता, सुनवाई वो भी शायद अपनी सुनवाई में लगे होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि एसपी साहब को भी देना अच्छा लगेगा। अरे इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान जी है सर, हमको तो हमारी जान का खतरा है। मैंने अवैध उत्खनन के खिलाफ मतलब उनके अपोजिट में हो गए और ये समाज सुधारक का कार्य किया, सोचा कि अवैध उत्खनन हो रहा है तो सबसे आगे अपील करें कि सर इन चीज़ों को रोकें, तो उन लोग इस बात से भड़क गए और उन लोगों को ऐसा मतलब दबंगता ही नेतागिरी में जंडल और मुन्ना ने भड़का दिया है कि आप मेरे सपोर्टर बने रहो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मंत्री साहब का अपने ऊपर हाथ है। आवेदक द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि कुछ खदान को लीज की खदान होने के बाद वो काम नहीं करने दे रहे हैं, इस प्रकार की मारपीट और वीडियो बनाने वाली शिकायत की है। एसडीओपी को तत्काल जांच के लिए दिया गया है, जांच के बाद जो